नमस्कार, मैं आपका नवीन और आज हम खेती के लिए आए हैं और खेती करने से पहले हम लेंगे कुछ पौधों को। तो पौधे की दुकान पे हम यहाँ पे मौजूद हैं और ये मेरे मित्र जी संगीत कुछ पौधे खरीदते हुए। तो तो आइए देखते हैं कुछ खूबसूरत पौधे जो यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत सारे पौधे हैं जो इंडिया में भी दिखते हैं, बट कुछ ऐसे भी हैं जो कोरिया स्पेसिफिक पौधे हैं। ये गेंदे का फूल है, बहुत सारे ऐसे हैं जिनका नाम मुझे नहीं पता है। यहाँ एक बार आने के बाद दोबारा जल्दी निकलने का मन नहीं करेगा। पैसे फूलों की खूबसूरती इतनी सुहावनी है। ये बालकनी में लगाने वाले पौधे, इनको पानी की आवश्यकता बहुत ही कम या नौ के बराबर होती है। ये वाला देखिए, ये तो लग रहा है नकली है, लेकिन वास्तविकता में ये असली है, बहुत ही खूबसूरत। अंदर भी बहुत सारे पौधे हैं। पहली नज़र में लगता है कि ये सारे नकली हैं, लेकिन सारे के सारे असली, रंग बिरंगे। अपने आप में ही ये एक सुंदर दृश्य है। गुलाबों को देखिए, ऐसे लग रहा है कि किसी ने पकड़ के इस पे रंगा है, होली खेली है इनके साथ। लेकिन ये एकदम असली और ताजे। आज हम हैं उस खेत में जहाँ पे शौकिया खेती कोरिया में की जाती है और आप आज खुद देख सकते हैं इस खेत का नज़ारा। ये है हमारा खेत, इसमें कोरिया में लिखा है जी सांगिक, जो मेरे दोस्त का नाम है। जहाँ पे ये खेत हैं, ये सरकारी ज़मीन है और इनके आसपास का एरिया बहुत ही सुहावना है। और यहाँ पे जो दिख रहे हैं आपको पीछे पुराने ज़माने के घर हैं, यहाँ पे इनको हनुक माउल बोलते हैं। इनको यहाँ पे अपनी संस्कृति को बच्चों को शिक्षा देने के लिए इन्होंने बना रखा है म्यूज़ियम टाइप का। अभी ये बंद है, यहाँ पर जा नहीं सकते हैं। भविष्य में आपको इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं आपको दिखाएंगे एक झलक। पिछले हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते लोग ज़्यादा घरों से बाहर आए हुए हैं और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे पहले से ही बो दिया है। आज हमने बोया है यहाँ पे लेट्यूस। लेट्यूस के विभिन्न प्रकार हैं इसमें, इनको मैं ज़्यादा अच्छे से नहीं जानता। पिछले हफ्ते हमने बीज भी बोया था, लेकिन पता चला है कि बीज बोने से लेकर खाने तक होने में लगभग 2 महीने का समय लगेगा। तो यहाँ पे पौधा भी आज हमने रोपा है, इसको आसानी से 2-3 हफ्ते में हम खा सकते हैं। ये जो पौधा है इसकी सुगंध बहुत ही अच्छी है, धनिया जैसे देखने में है और धनिया जैसा महकता भी है।
तो आज का काम यहाँ पे समाप्त होता है। हमने ये लेट्यूस के पौधे यहाँ पे रोपे और इनको पानी दिया। मिट्टी में नमी की मात्रा थोड़ा कम थी इसलिए पानी देना पड़ा, और अगले हफ्ते फिर हम इनको देखेंगे इनकी कंडीशन कैसी है, अगर ज़रूरत पड़ा तो पानी देंगे। ये देखिए यहाँ पे मिट्टी को ढक दिया गया है। ढकने का क्या फ़ायदा है, तो घास न निकले। इसे पॉलीथीन से ढकने का एक नुकसान है कि मिट्टी में हवा का सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से इनका ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगा। देखिए इन्होंने होल करके यहाँ पे जितनी ज़रूरत है उतने ही मिट्टी को एक्सपोज किया हुआ है, बाकी मिट्टी को ढका हुआ रखा है। कारण एक है, यहाँ भी देखिए यहाँ भी सेम मात्रा में होल है और इसी में इन्होंने बीज डाला। तो आज की खेती का काम यहाँ समाप्त होता है और मैं अपने दोस्त के साथ घर वापस जाते हुए फिर मिलेंगे।